अगर आप भी यहाँ पर आकर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, जाकर आप वो गूगल फॉर्म भर दीजिए, फिर आपका भी इंटरव्यू शेड्यूल होगा और आप भी यहाँ पे आके इंटरव्यू दे पाएंगे। और अगर आप जावास्क्रिप्ट को जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारा द कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उस कोर्स का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस कोर्स के अंदर मैंने जीरो से एडवांस लेवल तक जावास्क्रिप्ट के हर एक कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, इसीलिए इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 60 आवर्स। 60 आवर्स का ये पूरा कोर्स है। और अगर आप अपने रिएक्ट के स्किल को भी नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं तो मैंने रिएक्ट को भी बहुत ही डीप में कवर किया है, इसका भी कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप पूरा का पूरा फ्रंट एंड ही पढ़ना चाहते हैं, HTML से लेके CSS, JavaScript, React, Git and GitHub, NPM, Tailwind, React, Redux, ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी मैंने एक कोर्स बनाया है, पूरा कंप्लीट फ्रंट एंड बूट कैंप। उस कोर्स का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको हर एक कोर्स फ्री में मिल जाएंगे, तो आप जरूर से जाके इन कोर्सेज को चेकआउट करिए। तो चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। माय नेम इज चंद्रशेखर पंत एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड एंड आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूलिंग फ्रॉम उत्तराखंड बोर्ड। आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर MCA फ्रॉम ग्राफिक राहिल यूनिवर्सिटी भीमताल। एंड सर आई हैव फोर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग and now I am working in marketing company based on FMGC based product based company. And sir, in my family there are 6 members: my mother, my father, and my brother. And sir, my brother working on automobile company in Manesar, and my father retired from education board from Uttarakhand, and my mother is housemaker. And sir, my strength is my leadership. That's all about me. Thank you, sir. Okay. Yeah, that's good. So, how long have you been working on web development or learning web development? Sir, around 1 year. Okay. So, क्या क्या सीखा है अभी तक एक साल में? HTML, CSS, JavaScript और सर थोड़ा बहुत React, Node. अच्छा ठीक है, तो HTML, CSS और JavaScript में अगर तुम्हें 10 में से, HTML छोड़ दो, CSS और JavaScript में और React में 10 में से कितना नंबर दोगे? सर CSS में 5 और JavaScript में 3, React सर भी इतना हैंड्स ऑन नहीं है बट फिर भी 2 नंबर। अच्छा JavaScript में कितना दिया? JavaScript में 3। ठीक है, तो देखते हैं, 3 तो बहुत कम है ना। ठीक है, शुरुआत करते हैं HTML से। HTML के क्वेश्चंस पहले करेंगे, ठीक है, और पहले कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे HTML से, जैसे जावास्क्रिप्ट के, मतलब मैं पूछूंगा ये क्या होता है, तुम्हें ऐसे आंसर करना होगा, और उसके बाद कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, मैं तुम्हें कुछ कोड शेयर करूंगा, तुम उसके आउटपुट बताओगे, ठीक है, उसका आउटपुट क्या आएगा। उसके बाद एक प्रैक्टिकल राउंड होगा जहाँ पे तुम्हें कुछ बनाना होगा, बेसिकली मैं तुम्हें कुछ कहूँगा वो तुम्हें इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। ठीक। तो HTML का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML यूज किस लिए करते हैं? सर ये बेसिकली जो स्केलेटन होता है वेबसाइट का वो बनाने के लिए। ठीक है, और HTML में अलग अलग मतलब सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं ये बताओ मुझे। सर सीमेंट इन HTML सीमेंटिक टैग इज इंट्रोड्यूस इन HTML5। सर अ साइड, सेक्शन, हेड, हेडर, नेव। ठीक है, सही है, और इसका काम क्या होता है सिमेंटिक HTML टैग्स का? सर सीमेंटिक्स बेसिकली मींस फॉर एग्जांपल हेडर, इट दैट्स मीन दिस इज हेडर एंड मतलब इन अ बैकएंड HTML में जो है इनको मतलब इंट्रोड्यूस मतलब प्री डिफाइंड कोड है इनका कि इनको बताया गया कि इनका काम यही है, जैसे फुटर का काम फुटर का है और हेडर को इंट्रोड्यूस बताया गया है कि आपका हेडर का काम है, मतलब इनका मीनिंग है। सिमेंटिक का मीन्स होता है सर कि जिनका कोई मतलब हो। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होता है अगर हम ना यूज करें, केवल डिव का यूज करके बना दें तो क्या होगा?
सर कोई इशू नहीं हो। तो फिर इतने टैग्स की क्या जरूरत है, सब याद करना पड़ता है, डिव का ही यूज करके बना देते हैं ना। तो कोई फायदा है कि नहीं, क्या सर फायदा है, फायदा है? बट सर इससे एक फायदा ये है कि रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव का फायदा है कि मतलब हमको उसके लिए उतनी स्टाइलिंग नहीं करनी पड़ेगी जो हमको इन टैगों का सिमेंटिक का यूज करेंगे तो। नहीं, एकदम गलत है ये बात। रिस्पॉन्सिव के लिए उतना ही कोड लिखना पड़ेगा जितना तुम डिव का यूज करके करोगे, क्योंकि ये सारे जो टैग्स होते हैं इसमें कोई स्टाइलिंग बनी बनाई नहीं आती है, चाहे फुटर हो, चाहे हेडर हो, चाहे साइड हो, या सेक्शन टैग हो, सारे कुछ डिव जैसे ही होते हैं। और कोई तुम्हें आइडिया आ रहा है, कुछ ध्यान में आ रहा है? ठीक सर और कोई आइडिया नहीं? है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये अलग अलग जैसे एलिमेंट्स और टैग्स के बीच में डिफरेंस तुम्हें पता है क्या होता है? यस सर। एक्सप्लेन करो। सर H1 जो है टैग है, H1 के अंदर अगर मैंने हेडिंग लिख दिया तो वो पूरा एक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, सही है। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं एचटीएमएल के अंदर? सर एट्रीब्यूट लाइक जैसे इमेज टैग है उसके अंदर SRC उसका एट्रीब्यूट है, डिव है उसके अंदर जो हम क्लास लिखते हैं वो एट्रीब्यूट है। सही है। एट्रीब्यूट्स का काम क्या होता है, उससे क्या होता है? सर एट्रीब्यूट सर हर उसमें उनका अलग अलग, जैसे डिव में है उसके साथ उसमें क्लास लगा सकते हैं, इमेज में है तो उसमें SRC का यूज कर सकते हैं, ठीक है, इमेज में बेसिकली क्लास लगा लिंकिंग सकते के हैं कि लिए नहीं? ठीक इमेज में लगा सकते हैं सर। है, तो ठीक है, कुछ मतलब इसका रोल होता है, इससे क्या होता है सोर्स, मतलब वो एट्रीब्यूट लगाने से क्या होता है? सर एट्रीब्यूट का बेसिकली स्टाइलिंग के लिए यूज होता है, और सर लिंकिंग के लिए होता है, जैसे ए के अंदर HREF का यूज करेंगे तो जिससे हम वन पेज टू अनदर पेज मूव के लिए HREF का यूज करके उसमें एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। ठीक है, बेसिकली इसको तुम ऐसे बोल सकते हो कि एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके हम एलिमेंट की फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें दे सकते हैं, और भी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी दे सकते हैं एट्रीब्यूट्स लगा के। अब कुछ कुछ एलिमेंट्स में कुछ कुछ रिक्वायर्ड होते हैं एट्रीब्यूट्स, जैसे कि एचरेफ में, जैसे एंकर टैग में एचरेफ लगाना ही चाहिए, उसके बिना लिंक हमारा चलेगा नहीं। ठीक है, अच्छा ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ग्लोबल सर इसका नहीं, ठीक है। ग्लोबल सर ग्लोबल एट्रीब्यूट क्लास क्लास ID और सर आपका ये HTML पढ़ा था उसमें आपने पढ़ाया था ये अच्छा ग्लोबल सही है। तो मतलब ये तो एग्जांपल हो गए ग्लोबल एट्रीब्यूट्स के, क्या होते हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट्स? नो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अभी ये बताओ मुझे कि डिव टैग और स्पैन टैग में डिफरेंस क्या होता है? सर डिप ब्लॉक लेवल का है और स्पैन इनलाइन। अच्छा, तो इनलाइन और ब्लॉक में क्या अंतर है? सर ब्लॉक जो होता है पूरी विड्थ लेता है स्क्रीन की, और स्पैन जितना उसके अंदर कंटेंट होगा उतनी उतनी विड्थ एक्वायर करेगा। ठीक है, ब्लॉक कितनी बिट लेता है? सर ब्लॉक स्क्रीन साइज मान लो कि हमारे पास एक 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 डिव है, ठीक है, जिसकी विड्थ है 500 पिक्सल। ठीक है, सर। उसके अंदर एक दूसरा डिव रखा गया और उसके अंदर कुछ भी लिख दिया गया, हेलो हाय कुछ भी, तो दूसरे डिव की विड्थ कितनी होगी?
सर पहले तो उसमें कोई अगर विड्थ डिफाइंड नहीं करी गई है वो पूरी स्किन की विड्थ लेगा, और जो अंदर उसके है वो थर्ड उससे वो भी उसके बराबर ही पूरी विड्थ एक्वायर करेगा। नहीं, वही मैंने बोला ना, जो बड़ा वाला डिब है, ठीक है, मान लो कंटेनर कंटेनर, टिप उस जो है। कंटेनर उसके ऊपर क्लास लिखा है, उसके कंटेनर के ऊपर विड्थ जो है 500 पिक्सल फिक्स है, लिख दी गई है। तो बताओ कि जो चाइल्ड है, मान लो एक डिव है जिसका नाम है चाइल्ड, तो चाइल्ड की विड्थ कितनी होगी? उस पर कुछ दिया नहीं गया है, तो सर उसकी भी 500 ही रहेगी बाइट। ये तो ब्लॉक लेवल है तुम्हारे हिसाब से, तो स्क्रीन की विड्थ कवर करनी चाहिए। तो बट सर वो अपने पेरेंट पे डिपेंड है। तुम्हें ये बोलना चाहिए कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो पेरेंट के 100% विड्थ पेरेंट कवर करते हैं, ठीक है, हाँ स्क्रीन की पेरेंट विड्थ यस नहीं, सर स्क्रीन के बराबर नहीं होता, पेरेंट ठीक। पेरेंट तो इसमें एकदम प्रिसाइजली बोलो, एक भी अक्षर गलत नहीं बोलना, ठीक है। चलो यस ठीक है, और भी कोई अंतर? ये तो एक अंतर हो गया कि विड्थ उनकी ब्लॉक की फुल होती है पेरेंट के बराबर, और जो स्पैन होते हैं उनका कंटेंट के बराबर होता है, मतलब इनलाइन की जो विड्थ होती है वो जो कंटेंट है उसके अंदर उतना होता है। और कोई अंतर? नो और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हैं, जैसे कि एक स्पैन टैग है, मान लो एक स्पैन टैग है, उस पर मैंने सर दिया हाइट 40 पिक्सल, विड्थ 40 पिक्सल, और बस इतना दे दिया, तो बताओ उसका हाइट विड्थ कितना होगा? तो जितनी हमने स्पैन टैग में डिफाइन करके उतनी एक्वायर करेगा। अच्छा, क्या क्या डिफाइन किया है? सर विड्थ 40 और हाइट 40। सर हाँ, तो 40 बोलो, मतलब क्योंकि मैंने तुम्हें वैल्यू दे दिया है ऑलरेडी, तो तुम्हारे हिसाब से 40 40 हाइट विड्थ हो जाएगा, है ना? सर नहीं होगा, इसको फिर से पढ़ना, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट्स, इस पे हाइट विड्थ नहीं काम करता है, अगर इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं उस पे हाइट विड्थ हम नहीं सेट कर सकते हैं। ये पढ़ा है कि नहीं? खाली थोड़ा सा फॉन्ट साइज और कलर डिफाइन कर सकते हैं इसमें। अच्छा, उस पे मार्जिन टॉप 50 पिक्सल दे दिया, तो कितना हो जाएगा मार्जिन ऊपर? सर स्पैन टैग पे सर मार्जिन लेगा नहीं स्पैन टैग। क्यों नहीं लेगा? अच्छा, मार्जिन लेफ्ट दे दिया 50 पिक्सल, तो क्या होगा? नो नो आंसर? क्या बोला अभी? थोड़ा मतलब क्लियर बोलो, थोड़ा तेज बोलो, नहीं सर आ इसका पाया। आंसर नहीं आता। अच्छा नहीं ठीक है, तो टॉप में अगर दोगे तो उतना मार्जिन आ जाएगा, लेफ्ट राइट में अगर दोगे तो नहीं आएगा। लेफ्ट राइट में मार्जिन पैडिंग नहीं काम करता है, मतलब पैडिंग तो चारों तरफ काम करता है, मार्जिन नहीं काम करता है, मतलब मार्जिन ऊपर और नीचे नहीं काम करता है, लेफ्ट राइट काम करता है। लेफ्ट मैंने उल्टा बोल दिया, वो समझ लो, ठीक है। तो हाँ, ये हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं। तुम मुझे ये बताओ कि एक मिनट, ये स्पेसिफिसिटी क्या होता है सीएसएस में? सर ये बेसिकली जो हम सीएसएस लिखते हैं इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल ये उस पर डिपेंड करता है, और इसमें सर जो इनलाइन होती है उसकी स्पेसिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, तो स्पेसिफिसिटी किसकी होती है? इनलाइन सीएसएस की ज्यादा स्पेसिफिसिटी होती है ऐसा? हंड्रेड अच्छा ठीक है, एक्सटर्नल की कितनी होती है? सर एक्सटर्नल की 10। नहीं, ऐसा नहीं, जो स्पेसिफिसिटी होती है वो स्टाइल की नहीं होती, वो टैग की होती है, मतलब सेलेक्टर की होती है।
कौन सा सेलेक्टर यूज कर रहे हो उसके हिसाब से स्पेसिफिसिटी डिसाइड होती है, ठीक है। और ये बात सही है कि इनलाइन की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है, वो आईडी सेलेक्टर से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो स्पेसिफिसिटी होती है वो सेलेक्टर की होती है, ठीक है। और कैस्केड पता है क्या होता है? नहीं सर, अच्छा, CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल सीट। हाँ, तो जो उसमें जो पहला चीज है ना, कैस्केडिंग, सर पढ़ा तो भूल गया ये। हाँ, तो वही, मतलब वही मैंने पूछा कैस्केड क्या क्या होता है। तो CSS के फुल फॉर्म में ही है कैस्केड, तो तुम समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो इसको भी तुम प्रिपेयर कर लेना, बाद में देख लेना क्या होता है कैस्केडिंग, ठीक है। ये बताओ, बॉक्स मॉडल पढ़ा है? बॉक्स मॉडल पढ़ा था वो एक्सप्लेन कर सकते हो क्या है बॉक्स मॉडल? सर। बॉक्स मॉडल बेसिकली जो होता है, अगर वेब पेज में बॉक्स मॉडल डिफाइन नहीं करेंगे तो सर बाय डिफॉल्ट जो ब्राउज़र की मार्जिन पैडिंग जो होती है वो उसमें रहती है। अगर हम बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स दे देंगे तो वो जितना भी मार्जिन पैडिंग जो भी है वो सर उसी में इंक्लूड हो जाएगा जो हम विड्थ और हाइट देते हैं बॉक्स की। अच्छा, मार्जिन भी उसी में इंक्लूड हो जाएगा? यस सर। नहीं, मार्जिन नहीं इंक्लूड होगा। सही है, तुम्हारा सही है, लेकिन मार्जिन नहीं इंक्लूड होगा, पैडिंग इंक्लूड होगा। और क्या इंक्लूड होगा? पैडिंग और बॉर्डर इंक्लूड होगा, मार्जिन नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है। जैसे बॉर्डर और बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू होती है बॉक्स साइजिंग की? सर इसका अच्छा, हम उसको चेंज करके बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं ना। तो यस सर। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ये क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। बाय डिफॉल्ट होती है कंटेंट बॉक्स, ठीक कंटेंट बॉक्स है। और ये बताओ कि पोजीशन प्रॉपर्टी की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है? सर स्टैटिक। और पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या अंतर है? सर एब्सोल्यूट सर रिलेटिव जो होता है ना सर, जो उसका मेन अपने सर मेन से मतलब अगर हम उस जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट देके टॉप 40 लेफ्ट 40 करेंगे तो सर अपने मेन से वो मूव होगा। और सर एब्सोल्यूट जो होता है वो पेरेंट से मूव करता है, मतलब मेन ब्राउजर से, की ओर। मेन का क्या मतलब है तुम्हारा? मेन से मूव होगा मेन मतलब मतलब? मत सर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंटेनर है उसके अंदर एक डिब और है। अब मैंने जो अंदर चाइल्ड उसकी डिब है उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा तो सर वो अपने बॉक्स के जो अपनी चाइल्ड बॉक्स है उसी के अंदर मूव करेगा। बट अगर मैं उसको रिलेटिव दे दूंगा तो सर वो अपने जो उसके बाहर कंटेनर है वो उसकी उसके हिसाब से मूव करेगा टॉप लेफ्ट राइट। थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा सही से। देखो, मान लो एक कंटेनर है, एक डिव है, ठीक है। यस सर। एक डिव है जिसके ऊपर कंटेनर क्लास दी गई है, उसकी हाइट विड्थ है कि मान लो हाइट विड्थ 400 400 पिक्सल ऐसा कुछ है, ठीक है। यस उसके सर अंदर एक चाइल्ड डिव है जिसकी हाइट विड्थ जो है वो 100 100 पिक्सल है, ऐसा है। यस सर यस सर अब तुम बताओ कि मैं अगर पोजीशन एब्सोल्यूट देता हूँ चाइल्ड के ऊपर, बस केवल चाइल्ड के यस ऊपर सर देता हूँ, कंटेनर के ऊपर कुछ नहीं दिया, तो यस सर क्या होगा? और सर वो अब हाँ, चाइल्ड के अंदर ही मूव करेगा। चाइल्ड के अंदर चाइल्ड कैसे मूव करेगा? चाइल्ड सर के ऊपर मैंने दिया है ना, तो अब नहीं, चाइल्ड के अंदर दिया मतलब वो कंटेनर के अंदर मूव करेगा। और कंटेनर को देंगे तो कंटेनर सर जो हमारी वेब ब्राउजर का जो स्क्रीन होती है उस पे मूव करेगा। अच्छा, ठीक है ठीक है, एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी जावास्क्रिप्ट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तुम जावास्क्रिप्ट में मुझे ये बताओ कि जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, क्यों जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं?
सर एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो क्या काम है इसका? इसका काम सर वैलिडेशन और वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाना, जैसे एनिमेशन, स्लाइडर। ठीक है, और डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? सर दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। सर प्रिमिटिव में आते हैं हमारा नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड और सर सिंबल। सर प्रिमिटिव में क्या होता है सर, इसमें लो अमाउंट का डेटा सेव होता है। और नॉन प्रिमिटिव में सर आते हैं एरे, ऑब्जेक्ट, इसमें सर बल्क क्वांटिटी का डेटा स्टोर होता है। ठीक है, सही है। और ये जावास्क्रिप्ट जो है, ये सिंगल थ्रेडेड है या मल्टी थ्रेडेड है? सर ये सिंगल अच्छा, सिंगल थ्रेड का क्या मतलब है? इसका अच्छा, तो जब बोलो इसका आंसर नहीं होता, तो जैसे नॉर्मल आंसर्स बोल रहे हो ना, उसी ठीक उसी स्पीड में वो भी बोलो, मतलब उसी लाउडनेस में, ऐसे मत ठीक है सर। बोलो तो इसका आंसर नहीं है। ठीक है, मतलब वो आवाज मत कम करो, स्पीड उसकी, लाउडनेस की, यस वैसे ही बोलो। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? सर, वेरिएबल जस्ट लाइक अ कंटेनर जिसमें सर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट, क्या लेट, वार। सही है? अच्छा, लेट और वार में डिफरेंस बताओगे मुझे? सर लेट और वार्स में डिफरेंस, सर वार सर फंक्शन लेवल पे काम करता है और लेट सर ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? सर इसका मतलब ये कि इनका जो स्कोप होगा इनके अंदर तक होगा, उसके बाहर हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सही है, ठीक है। और ये फंक्शन क्या होता है ये बताओ? सर फंक्शन फंक्शन जस्ट लाइक मतलब जिसमें सर हमारा बहुत लेंदी लेंदी कोड होते हैं, इसकी रीयूजेबिलिटी के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, सही है। अभी ये क्लोजर्स पता है तुम्हें? क्लोजर्स क्या होते हैं? नहीं सर मैं एडवांस पे थोड़ा भी नहीं है ठीक है, डॉम बताओ क्या होता है? सर। डॉम बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है डॉम की, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो ये तो फुल फॉर्म हो गई, और क्या होता है डॉम? सर डॉम का बेसिकली यूज सर जो हमारे एचटीएमएल के अंदर जितने भी टैग्स होते हैं सर, हम उनको एक्सेस कर सकते हैं डोम की मदद से, और डोम की मदद से हम उनकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, उनको अपेंड कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं, मतलब वेब पेज को इंटरेक्टिव बना सकते हैं सर। ठीक है, सही है। और ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल पता है? सर ये नहीं पढ़ा था। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको शॉर्ट में बॉम बोलते हैं, BOM। बॉम्ब हाँ ब्रदर। ठीक है, और रिएक्ट के क्वेश्चंस किया जाए कि रहने दें? अच्छा, सर रिएक्ट को नहीं, मेरे को उसका कुछ इतना वो है नहीं अभी रिएक्ट। ठीक है, तो अभी कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तुम अपना स्क्रीन शेयर करना, ठीक है? स्क्रीन शेयर करो, एक VS कोड के अंदर एक HTML की फाइल और जावास्क्रिप्ट की फाइल खोल लो, नया फोल्डर ओपन करना VS कोड के अंदर, एक न्यू फोल्डर बना लो।
और एक्चुअल इंटरव्यू जब होगा तुम्हारा तो वहाँ पे कैमरा ऑन करने के लिए भी बोलेंगे, ठीक है? यहाँ पे चाहो तो ऑन करो, नहीं तो रहने दो, कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यस सर। एक नया वो खोल लो, एक नया फोल्डर बना लो। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लो और उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर लो यहाँ पे। यस सर। HTML की फाइल क्रिएट कर लो और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल उससे कनेक्ट कर दो। सजेशन नहीं आ रहा क्या? ठीक सर है, वो जावास्क्रिप्ट में HTML लिख रहा है। ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ H1 लिख दो, इंटरव्यू लिख दो H1 के अंदर। फाइल को लाइव सर्वर से ओपन कर लो और जावास्क्रिप्ट में कुछ कॉन्सोल लॉग लिख के चेक कर लो कि रन हो रहा है कि नहीं, कॉन्सोल लॉग हेलो या ऐसा कुछ। सर ठीक है, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ। तुम अभी यहाँ पे ही चैट में ही देख के आउटपुट बताने की कोशिश करो, चैट में ही यहाँ पे देखो और गेस करो इसका आउटपुट क्या होगा। पहले एक और दो, उसके बाद अनडिफाइंड अनडिफाइंड। अच्छा ठीक है, मतलब पक्का ऐसा? ठीक है, ऐसा ही होगा। यस सर। हाँ जी अनडिफाइंड मतलब कोई एरर आएगा यहाँ पे कि नहीं? सर। सर एरर आएगा कि मतलब ये वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते बाहर। चलिए, अभी तो बोला कि तुमने अनडिफाइंड अनडिफाइंड होगा। नहीं अनडिफाइंड नहीं, मतलब वैल्यू नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड। ठीक है, किस टाइप का एरर आएगा? सर टाइप का टाइप आइडिया को नहीं है। मतलब कैसा एरर आएगा? जैसे ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब एरर आएगा यहाँ पे, है ना? हाँ जी तो सर। ए और बी दोनों के लिए एरर आएगा कि एक के लिए ही आएगा? सर जो ये ब्लॉक के बाहर है उसमें तो एरर आएगा, जो ब्लॉक के अंदर है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे एक और दो। बाहर ए हाँ और बी दोनों में आएगा। अच्छा, बाहर ए और बी दोनों के लिए आएगा। ठीक है, इसको पेस्ट कर लो वीएस कोड के अंदर। हटा दो ये, वो हेलो हटा दो। ठीक है, चेक करो क्या हो रहा है। सर टू प्रिंट हो रहा, एज नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर। और एरर किसके लिए आ रहा है? बस एक के लिए आ रहा है, ए के लिए। एक बी के लिए क्यों नहीं आ रहा?
सर इसका पता नहीं। अच्छा एक काम करो, बी वाली लाइन ऊपर कर दो, ए वाली लाइन नीचे कर दो। नहीं, वहां वहां रहने दो, उधर रहने दो बस। ये हाँ ये वाला करो, सेव करो। अब क्या रहा B is not defined to. है ना? तो अब ऐसा क्यों आ रहा है? मतलब अब ए के लिए एरर नहीं आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? सर इसका पता नहीं। अच्छा तो ठीक है, इसको तुम ढूंढना क्यों हो रहा है? ये तुम्हारा वो यस ठीक है, बेसिकली बाहर दोनों ही नहीं डिफाइन है, दोनों में से कोई भी करोगे तो एरर आएगा। इसको तुम ढूंढना, ये समझ लो कि तुम्हारा वो है असाइनमेंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें भेजता हूँ। सर इसमें एरर आएगी कि एज नॉट डिफाइंड। पक्का? पक्का एकदम पक्का? ठीक यस सर। है, कॉपी कर लो। अनडिफाइंड ओ, ये एरर है कि क्या है ये जो आ रहा है अभी? ये सर, ये वार्निंग के नहीं, मतलब सर एरर नहीं है। अनडिफाइंड सर जावास्क्रिप्ट में ही एक वो है, इसका डेटा टाइप्स है। तो क्या हुआ, एरर क्यों नहीं आई? सर ये वेर में है, अगर लेट में होता तो एरर आती। तो इस केस में क्यों नहीं है यार? सर ये होस्टिंग के उस होस्टिंग क्या होता है? सर होस्टिंग हमको सर एक इम्प्लीमेंटेशन का तरीका देता है कि जिसमें हम वैल्यू को पहले कंसोल करा सकते हैं और बाद में उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक मैकेनिज्म देता है सर होस्टिंग हमको वेयर के साथ। अच्छा ठीक है, अगर इसको लेट कर देंगे तो क्या होगा? तो सर एरर आएगी एरर कैसी होगी? ठीक सर, ए इज नॉट डिफाइंड। है, चेंज करके देखो। सर एरर आ रही, कांट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। हाँ, तो क्या ये एरर सेम है जो तुमने बताया? नहीं 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 सर। ठीक है, तो इस केस में होस्टिंग हो रही है कि नहीं? जब लेट कर देते हैं तो होस्टिंग होता है कि नहीं? अच्छा, सर नहीं हो रही है। इसमें भी होता है होस्टिंग। टेम्पोरल डेड जोन का नाम सुना है तुमने? हाँ सर, टेम्पररी डेड जोन का नाम सुना है अच्छा, वो क्या होता है? सर, वो पढ़ा था लेकिन उसका ध्यान नहीं है टेम्पररी डेड जोन। तो इस केस में भी होस्टिंग हुई है, लेकिन इस केस में ए जो है वो टेम्पोरल डेड जोन में है, इसीलिए हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे बेसिकली। इसका मतलब सर कि इसको मेमोरी मिल गई है बी को। हाँ, इसका मतलब मेमोरी मिल गई है बी को, नहीं ए नाम का वेरिएबल है ना? हाँ ए को मेमोरी मिल गई है बट वो एक्सेस नहीं हो सकता।
हाँ, उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है बस, यही है। ठीक है, नेक्स्ट सर। क्वेश्चन मैं तुम्हें भेजता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं टाइप कर रहा हूँ। कोई दिक्कत ये चीज़ कॉपी करना। इसमें क्या आएगा? सर एआरआर की लेंथ 5 आएगी। अच्छा, 5 आएगी। मुझे ये बताओ तुम कि यस सर। ये तो ठीक है, 5 आएगी, एक बार चेक कर लो तुम, एक बार चेक कर लो क्या आ रहा है। वो 5 आएगी, सही है, ठीक है। अच्छा, 5 क्यों आई, क्या एक्सप्लेन कर सकते हो तुम? यस सर। बताओ। सर एआरआर जो कॉस्ट में आपने डिफाइन कर रखा है 1 2 3, और जो ये फोर्थ हमने डिफाइन कर रखा है सर, इसमें जो थर्ड इंडेक्स है एरे का, उसमें सर वो 0 अपने अपने आप ही एक स्पेस छोड़ देता है उसके लिए, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आएगी फोर्थ इंडेक्स पे। अच्छा, वो थर्ड इंडेक्स पे क्या क्या आ जाएगा? अच्छा, सर स्पेस आ जाएगा, स्पेस यानी कि स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नहीं सर, मतलब सर मैं सर 1, 2, 3, फिर कॉमा, फिर 5। अच्छा, वो बीच में एक ही कॉमा रहेगा या दो कॉमा रहेगा? मतलब 2 कॉमा रहेंगे सर, 2। अच्छा, ठीक है, मतलब दो दो खाली स्पेस आएगा। यस सर। और उस वैल्यू को अगर एक्सेस करें, मान लो हम कंसोल लॉक करें एरे और फिर वो थर्ड इंडेक्स को, तो क्या वैल्यू आएगी? तो सर वहाँ पर एम्प्टी लिखा आता है सर पेरेंथेसिस के अंदर, वो हाँ ठीक है, और कंसोल में क्या वैल्यू आएगी अगर हम उसको एक्सेस करेंगे तो? मतलब सर वहाँ सर ये किया है मैंने, मैं भूल गया इसको। जैसे अभी आ जाओ वीएस कोड में, आ जाओ। यहाँ पे कंसोल लॉग एरे और फिर उसका थर्ड इंडेक्स पे जो भी चीज हो उसको कंसोल लॉग करो। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? सर यहाँ पर भी एम्प्टी आएगा, एम्प्टी लिख के आएगा ऐसे ही? नहीं सर वो ग्रेटर दोनों लेस देन सिंबल के बीच में। अच्छा ठीक है, चेक कर लो क्या आएगा। ठीक अनडिफाइंड है, तो जो भी एम्प्टी लिख के आता है ना, वो बेसिकली वहां पे अनडिफाइंड समझ लो हो जाता है। और केवल यही नहीं, तुम आ जाओ वीएस कोड में, आ जाओ। तुम index 30 इसका एक्सेस करोगे तो क्या आएगा? सर -1। अच्छा, 30 लिखो, वहां पे 30 लिखना। ये तो 13 है, हाँ 30।
हाँ क्या आएगा इसका वैल्यू, ठीक सर माइनस में है, है चेक कर लो। माइनस वन अनडिफाइंड। -1 कब आता है, वो अलग केस होता है सर -1। मैं तुम्हें एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम इसी में आ जाओ। सर ये अभी पहले ये बताओ मुझे तुम कि ये एरे तो हमने कॉन्स्ट करके बनाया था यस है सर ना, तो फिर इसका ये कैसे चेंज हो गया, ये कॉन्स्ट तो चेंज नहीं हो सकता है, तो इस केस में कैसे चेंज हो गया। इसका लेंथ 3 ही होना चाहिए, 5 हो गया। हमने हम चाहें तो और एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं इसमें है ना, तो यस सर ये कैसे हो रहा है। कॉस्ट द्वारा डिफाइन की गई चीज़ों को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यस सर यही पढ़ा होगा है ना, यस सर ये कैसे हो रहा है। सर ये किसी स्कोप के अंदर नहीं है, इसलिए किसी ब्लॉक के अंदर। ठीक है ब्लॉक के अंदर रख लो इसको ब्लॉक के अंदर, पूरा सेलेक्ट करो और कर्ली ब्रैकेट टाइप कर दो, हो गया ब्लॉक के अंदर, सेव करो। एरे को कौन सा लॉक कर लो, एरे को नहीं, एरे डॉट वो 30 की जगह पे 30 हटा दो बस, ब्रैकेट में जो 30 लिखा ना उसको हटा दो। देखो वो आ गया, सर इसका आंसर नहीं ठीक है इसको तुम देखना कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कॉन्स्ट का यूज कर रहे हैं तो फिर तभी चेंज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ठीक है अभी उसको अनकमेंट कर, अनकमेंट करके रखो, अनकमेंट ही कर दो। इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, ये कंसोल लॉग एरे डॉट लेंथ इसको हटा दो और फिर लिखो यहाँ पे एरे डॉट, एरे के बाद जो दूसरा वाला है, नहीं, वहाँ पे 25 लाइन नंबर 25 वाले पे लिखो, हाँ एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, हाँ इंडेक्स ऑफ, और फिर ये हाँ इस इंडेक्स ऑफ 3 अगर करोगे तो क्या आएगा। इंडेक्स ऑफ सर इसमें माइनस वन अच्छा -1 क्यों आएगा, जीरो वन टू इंडेक्स एक दो तीन सर इसका आंसर 3 आएगा। अच्छा इंडेक्स ऑफ 3 3 होगा, कैसे यस बताया ये। सर ये जो ए आर आर जो यहाँ है यहाँ पर 1 2 3 ये इंडेक्स ऑफ जो है ना 1 2 3 से काम करता है, 0 से नहीं। अच्छा ऐसा है क्या, सर मैं कंफ्यूज हो गया, इंडेक्स ऑफ ठीक है चेक कर लो क्या। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि मुझे जो 3 इसमें मतलब एरे में जाके ढूंढो और 3 का क्या इंडेक्स है ना, जो तीन सर नंबर लिखा है एरे में उसका इंडेक्स क्या है। हाँ 2 सर 0 1 2 तो वही 2 आ रहा है यहाँ पे। अब इंडेक्स ऑफ अगर तुम लिखोगे मान लो कि 30, इंडेक्स ऑफ 30 अगर लिखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एरे में 30 कहाँ पे है थर्टी कहाँ पर है सर, बताओ, तो और वो है नहीं सर, 30 क्या आएगा यहाँ पे। सर यहाँ पर आएगा माइनस वन।
हाँ इस केस में माइनस वन आएगा, चेक कर लो। हम्म, जब इंडेक्स नहीं मिलता है किसी भी एलिमेंट का तो माइनस वन आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको कमेंट आउट कर दो। सर 20, 10 दो दो आएगा, कंसोल लॉग तो एक ही है ना। अच्छा सर 20 आएगा, 20 20 आएगा पक्का? यस सर। सर यहाँ सिंक्रोनस काम करेगा तो स्टेप बाय स्टेप, तो सर यहाँ 20 आएगा। ठीक है, चेक कर लो। अनडिफाइंड ठीक है, सर, समझ आया ऐसा क्या हो रहा है? नहीं सर। कोई बात नहीं, बाद में समझना, ठीक है। इसको कमेंट कर लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन भेज दिया, सर पहले स्टार्ट प्रिंट होगा, फिर एंड प्रिंट होगा, फिर टाइम आउट, क्योंकि ठीक है। ऐसा क्यों होगा? सर सेट टाइम आउट ये सर स्टेप बाय स्टेप करेगा, तो पहले स्टार्ट को प्रिंट करेगा, उसके बाद ये सेट टाइम आउट के अंदर जाएगा तो वहाँ देखेगा इसको टाइम मिला सर 0 यहाँ पर, तो ये सर उतनी देर वेट करेगा, तो तब तक ये नीचे एंड को प्रिंट कर देगा, तब तक ये सर टाइम आउट प्रिंट हो जाएगा, उसका टाइम पूरा हो जाएगा ड्यूरेशन। तो 0 मिनट का मतलब 0 मिलीसेकंड का मतलब है कि तो तुरंत हो जाना चाहिए। 0 टाइम का मतलब क्या होता है? खत्म, टाइम खत्म है, सर तो ऐसा क्यों हुआ? इसका आंसर नहीं पता। ठीक है। कॉल बैक क्यों पता है? नहीं कॉल बैक सर पढ़ा है, पर इतना वो नहीं है आइडिया उसका। इवेंट लूप, कॉल बैक क्यू, वेब एपीआई, ये सब नहीं पता है ना? अच्छा नहीं सर यहाँ तक मैं भी मतलब पढ़ा नहीं है सर, अभी इतना पढ़ा है एक ठीक बार, मतलब रिवाइज नहीं किया, मतलब एपीआई की। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कमेंट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर यार आंसर सही था ना मेरा? ये आधा सही आधा गलत है, मतलब केवल तुम्हें आउटपुट बताने में, तुमने आउटपुट बता दिया, उससे कोई बहुत बड़ा वो इफेक्ट नहीं पड़ता। तुम उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो कि तुमने आउटपुट बताया जो है वो ऐसा क्यों बताया है? मतलब तुम्हें ये नहीं पता है कोड कैसे काम कर रहा है? तुमने कई पहले भी देखा है ऐसा आउटपुट, पहले भी ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, तो इसीलिए तुमने बता दिया है ना? तो इसमें बहुत यस सर। बहादुरी वाली बात नहीं है अभी, ठीक है। नहीं सर आउटपुट तो मुझे पता था, बट इसका जो सेट टाइम आउट है उसकी फंक्शनिंग के बारे में नहीं पता उतना ब्रीफ। हाँ तो ये तुम्हें पढ़ना है, जब तुम वो बता पाओगे कि ये कैसे काम कर रहा है, जी तब समझ लो कि तुमने सही आंसर किया, ठीक है सर, ठीक है। यस सर।
इसको देखो। सर इसका आउटपुट 1 सर इसका आउटपुट 1 सर 1 2 3 प्रिंट होगा, बट सर 1 पहले प्रिंट हो जाएगा, 2 और 3 थोड़ा ये टाइम ड्यूरेशन के बाद। अच्छा ठीक है, चेक करो। सर 4 ठीक है, इसको कोई आइडिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक नहीं सर। है, कोई बात नहीं, इसको सेव कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा तुम्हें कोड लिखना है। अच्छा रहने दो, वो मुश्किल हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो तुम। पूरा नहीं कॉपी किया तुमने, क्वेश्चन आधा ही कॉपी हुआ है। ऊपर ऊपर वाली लाइन भी कॉपी कर लो। हाँ यहाँ से अभी भी एक लाइन छूट गई वो। हाँ ये वाली लाइन। हाँ अब बताओ। सर यूजर वन नाम का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम, एज, एड्रेस का फिर ऑब्जेक्ट है सिटी और स्टेट। यहाँ पर कॉन्स्ट यूजर टू इज इक्वल टू यूजर वन। यूजर डॉट नेम रमेश, यूजर टू डॉट एड्रेस डॉट सिटी पुणे, कंसोल डॉट लॉग यूजर वन। सर यूजर वन का जो कंसोल डॉट लॉग होगा, यूजर वन इज इक्वल टू यूजर टू। सर यूजर वन का तो जो हमारे पास नेम जॉन, एज 25 और एड्रेस सिटी बॉम्बे स्टेट महाराष्ट्र। कंसोल डॉट जो यूजर टू है उसमें सर नेम रमेश हो जाएगा और सिटी पुणे, बाकी सब सेम। ठीक है, चलो चेक करते हैं। एक्सपेंड करो दोनों। ये क्या हुआ? दोनों का दोनों चीज दो, चेंज हो गया, सेम सेम। ऐसा क्यों हुआ?
सर वो कॉस्ट यूजर टू इज इक्वल टू यूजर वन के उससे हाँ ठीक है, तो किस चीज के कारण हुआ यहाँ पे? कॉस्ट के कारण हुआ ऐसा? नहीं नहीं सर इसके कारण यूजर टू इसकी वैल्यू उसमें क्या हुआ इससे, क्या हुआ? सर ये वैल्यू तो ओवरराइड हो गई सिटी और नेम तो ये तो हमने यूजर टू के अंदर चेंज किया ना, यूजर वन क्यों चेंज हुआ? से यूजर टू इक्वल टू यूजर वन इसके उस अच्छा ठीक है, मतलब यूजर वन को जब जब चेंज करेंगे, यूजर टू को, अगर यूजर वन को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या यूजर टू चेंज होगा? नहीं सर ठीक है, अभी लाइन इस नंबर 6 पे, 76 पे, यूजर वन डॉट एज इज इक्वल टू 30 कर दो। अब यूजर टू की एज चेंज होगी कि नहीं? सेमी कॉलन, सेमी कॉलन लगेगा, वो कॉमा नहीं लगेगा। सर एज चेंज होगी सर चेंज होगी तो यस सर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम एक का चेंज कर रहे हैं, दूसरे का चेंज हो रहा है? सर इसका आंसर नहीं पता अच्छा ठीक है, तुम क्या इसको ऐसा कर सकते हो कि हमें ऐसा चाहिए कि जैसा तुमने पहले आंसर बताया था, यूजर वन को अगर अलग चेंज करें तो यूजर वन अलग चेंज हो, यूजर टू अलग चेंज हो, मतलब दोनों को कोई लेना देना ना हो, तो वैसा कैसे करेंगे कि सर मतलब सेम यूजर दूसरा बना देंगे यूजर टू नहीं एकदम से नया नहीं बनाना है, नया मतलब पूरा नहीं बनाएंगे, उसे यूजर वन को ही मतलब ऐसा यूज करो कि नया यूजर टू क्रिएट हो जाए, उसमें सारी प्रॉपर्टीज यूजर वन वाली ही रहें, लेकिन अगर हम चेंज करें तो केवल यूजर टू चेंज हो, यूजर वन ना चेंज हो। बात समझ रहे हो ना? मतलब पूरा उतना यस कोड हमें सर नहीं लिखना है, मान लो हाँ कि मैं ये, समझ हाँ गया मान जो लो ये आपने 100 कॉन्स्ट रैंक यूजर वन करके बना रखा है इसका सारा डेटा नेक्स्ट नेम से जॉन जैसे है तो उसमें रमेश आए सीट एज उसकी 30 आए डेटा सेम होगा फिर बाद में हम चेंज करें तो केवल यूजर टू ही चेंज हो। सर इसको कमेंट करके सर इसको कमेंट कर देंगे यूजर टू इज इक्वल टू यूजर वन तो यूजर टू नाम का वेरिएबल कहाँ है? सर इसका नहीं हो अच्छा कोई बात नहीं, स्प्रेड ऑपरेटर तुमने पढ़ा है? अच्छा, स्प्रेड यस सर उसका क्या काम होता है? सर स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली जब हमारे पास डेटा
सर बेसिकली जो इसको हम यूज़ करते हैं, थ्री डॉट से यूज़ करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर को, हाँ वो करता क्या और है? इस सर बेसिकली इसका यूज़ सर, जैसे हमारे पास एरे में एक डेटा है, मतलब 1 से लेकर 10 तक डिजिट है, मुझे उसका सम करवाना है, तो सर मैं उसको इसकी हेल्प से आराम से सम करा सकता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से। तो चलो एक एरे बनाओ 1 2 3 जिसके अंदर लिख दो, अभी ये पूरा क्वेश्चन कमेंट आउट कर दो। हाँ एक नया क्वेश्चन मान लो, नया क्वेश्चन ये एक एरे हाँ बनाओ जिसके अंदर 1 2 3 ऐसा लिख दो नंबर्स, 4 तक लिख दो, 1 2 3 4। हाँ स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके तुम कैसे सम कराओगे ये बताओ मुझे। इस समय मतलब एरे को सब प्रिंट करा सकते हैं उसमें लेंथी डेटा को। अच्छा प्रिंट करवाने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए काम भर के, अभी तुम्हें एक वैसा करना है, एक प्रोजेक्ट टाइप में बनाना है जिसमें तुम्हें क्या करना है कि एक स्क्रीन के एक काउंटर बेसिकली बनाना है, काउंटर एप्लीकेशन जिसमें तुम्हें क्या करना है, 2 बटन रहेगी और ऊपर 0 लिखा रहेगा, फिर नीचे 2 बटन रहेगी, एक प्लस की एक माइनस की। अगर प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो नंबर बढ़ेगा, माइनस पे क्लिक करेंगे तो वो नंबर घटेगा, ऐसा करना है तुम्हें। एक नई फाइल बना लो, एक एक कॉपी कर लो इसी स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल को। सर नए बनाए थे हाँ ठीक है, नहीं पूरा वो ठीक है करो करो बनाओ कोई दिक्कत। एक H1 ले लो जिसके अंदर 0 रख दो बाय डिफॉल्ट शुरुआत शुरुआत में ही। बटन टैग लो, स्पैन से भी हो जाएगा लेकिन बटन ले लो ज़्यादा ठीक रहेगा।
15 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, 15 से 20 मिनट, ठीक है? तो वो टाइम को भी ध्यान में लेके काम करना। कोई हेल्प चाहिए तुम? नहीं सुनिए।
सर हाँ बताओ। सर ये नहीं हो पा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इंटरव्यू भी ओवर हो चुका है, ठीक है, ये लास्ट राउंड रहता है। तो अब तुम बताओ कि इस इंटरव्यू से तुमने क्या सीखा। पहले ये बताओ कि 1 से लेके 10 तक अगर तुम्हें नंबर देना हो तो अपने आप को कितना नंबर दोगे इस इंटरव्यू के हिसाब से। तीन अच्छा, सही है वैसे, मतलब और भी ज़्यादा दे सकते हैं, 5 6, मतलब अगर मुझसे पूछोगे तो मैं 5 या 6 ऐसा कुछ दूंगा। सर, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ ना सर। मैं जैसे मतलब जैसे मैं आजकल आपके लेक्चर देख रहा हूँ, तो जिसमें आपने मतलब बहुत डीप मतलब मैं सही में मैंने इतने लेक्चर देखे हैं सर। मैं नाम बताऊँ जैसे हैरी और सर सूफी, बहुत सारे मतलब मैंने बहुत सारे देखे हैं, जिसमें जो अब मुझे लास्ट में सर मेरे पास टाइम भी नहीं है इतना, मैं इतनी तैयारी कर रहा हूँ। मैं सर आपके लेक्चर दोबारा फिर मतलब वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ शुरू से। तो मैंने नोटबुक भी बना रखी है, ये भी जो मैंने सर पढ़ा है ना डो मैनिपुलेशन और HTML CSS, जिसमें मैंने फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड ये वो सब वो तो लगभग लगभग पढ़ लिया, बट साथ में जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ। और आपने मुझसे वो कहा था टू डू ऐप, तो टू डू ऐप की मैंने बहुत हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करी थी, तो मुझे ये वाला ऐप मिल गया था जिसकी मैंने अच्छा प्रैक्टिस भी नहीं करी है अब तक, इसकी अच्छा प्रैक्टिस भी नहीं करी है सर तो मैंने। तुम बताओ, ये टू डू से ज़्यादा इजी था कि ज़्यादा मुश्किल था ये। नहीं ये इजी था बट थर्ड मेरे थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बहुत इजी था टू डू से। है ना, ये तो और भी इजी था। मैंने इजी था। और देखो, मतलब किसी के भी लेक्चर्स देख लो, जैसे अब तुम मेरे ही देख रहे हो तो तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, और ठीक है, मतलब मैंने पढ़ाया है अच्छे से, लेकिन अब तुम बताओ कि क्या तुमसे मैंने कोई भी आउट ऑफ सिलेबस जो भी तुमने ना पढ़ा हो वो पूछा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं सर है ना। नहीं। ऐसा तो मैंने पूछा नहीं, जैसे क्लोजर्स तुमने बोला तो मैंने उससे पूछा ही नहीं क्लोजर्स, क्योंकि तुमने नहीं पढ़ा, जो सर तुमने मैंने पढ़ा है वही ट्राई पूछा। कैच पीछे को नहीं, डॉम से पीछे मैंने कुछ नहीं पढ़ा सर। डॉम हाँ से मतलब जहाँ तक आपने कहा था कि आप यहाँ से DSA पढ़ सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन ये मतलब डॉम तक, डॉम के बाद आपका एडवांस वाला शुरू हो गया था, वो मैंने पढ़ा नहीं था और वो हाँ मैं तो शुरू करूँगा सर उसे। हाँ तो उसके आगे वाला भी मैंने तो पूछा नहीं ना इसमें, नहीं इसमें सर तो नहीं। उतना ही पूछा जो तुमने पढ़ा है। तो अब बताओ कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे, मतलब ये तुम्हारा कैसे, ऐसा कैसे हो कि तुम्हारा इंटरव्यू मतलब बढ़िया जाए, तुम्हें क्या सर लगता है। मुझे तैयारी करनी पड़ेगी कैसे करोगे तैयारी? सर, अब आपके लेक्चर के भरोसे। देखो, लेक्चर से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि लेक्चर्स तुमने ऑलरेडी देखे हैं, तुमने बोला है ना, तो लेक्चर्स तुम 10 बार देखोगे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। लेक्चर्स 1 बार देखो, नोट्स बनाओ, ठीक है, और प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट तुम्हें बहुत ज़्यादा बनाने हैं। जब प्रोजेक्ट्स हाँ बनाओगे, सर मैंने एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया, मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा। तो एक भी प्रोजेक्ट नहीं बना तभी तो ऐसा है। प्रोजेक्ट्स खूब सारे बनाओ, ज़्यादातर अपने मन से बनाओ, लेकिन अपने मन से बनाने से पहले तुम्हें अगर लगे तो कोई वीडियो देख के प्रोजेक्ट बना लो, फिर उसके बाद तुम्हें खुद से प्रोजेक्ट बनाने हैं अपने मन से। देखा ना, मतलब कितना सिंपल सा है। अभी तुम्हें अभी यही नहीं पता है कि कैसे, मतलब डॉम के अंदर हम मैनिपुलेट करेंगे कैसे, कब हमें उस नंबर को इंक्रीज करना, जैसे कि यहाँ पे फॉर लूप की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी तुम्हें फंडामेंटल्स प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तुम्हारा जो वो थ्योरेटिकल वाला जो राउंड था जिसमें क्वेश्चंस पूछ रहे थे ये क्या होता है वो क्या होता है, उसमें तुम ठीक ठाक बता पा रहे थे, मतलब उसमें अच्छा परफॉर्मेंस था तुम्हारा, और जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस थे उसमें थोड़ा कम अच्छा था, और फिर ये जो कोडिंग राउंड था, इसको मशीन कोडिंग राउंड बोलते हैं, ठीक है, यस सर। जिसमें हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई छोटा सा प्रोजेक्ट तुम्हें मिल जाएगा उसको बनाना रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा मतलब किस रोल के लिए जा रहे हो, कितना एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट मुश्किल भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। तो ये तुम्हें बहुत ही इजी मैंने प्रोजेक्ट दिया था, तो इस वाले में तुमने और भी मतलब खराब परफॉर्म किया, ठीक है। यस तो यस सर। अभी तुम्हें मेनली कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही गहराई से समझने की ज़रूरत है। इस इंटरव्यू से तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा कि अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है,
है ना, यस सर, भले ही तुमने मुझसे ही पढ़ा है, मैंने हर एक चीज पढ़ाई है, जो भी मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने वो चीज नहीं पढ़ाई है, वो हर सर एक चीज बहुत पढ़ाई है, डीपली। वो हर एक चीज पढ़ाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर एक बार वीडियो देखेगा तो सब उसके दिमाग में बैठा रह जाएगा, जब नहीं देखोगे तब दिखेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, 2 दिन बाद भूल जाओगे। अब उसको तुम्हें बारीकी से देखना है, क्वेश्चंस जैसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस तुमने ये देखे, तुमने सारे क्वेश्चंस कमेंट करके रखे हैं, अब उसको जाओ बाकी बाद में फिर रिसर्च करो, ढूंढो कि इसका आंसर ऐसा क्यों आ रहा है, तुमने तो कुछ दूसरा सोचा था, इसमें कुछ दूसरा आ रहा है, उसमें रिसर्च करो, समझो, देखो कोड कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है, अभी बहुत मेहनत करने की तुम्हें ज़रूरत है, ठीक है। यस सर, अभी तुम्हें कम से कम 3-4 महीना लगेगा, तब जाके तुम इस लेवल का इंटरव्यू निकाल पाओगे जो अभी इंटरव्यू हुआ है, और ये बहुत ही एकदम फ्रेशर लेवल का इंटरव्यू है, इसमें कुछ भी एडवांस नहीं पूछा गया है, बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें, बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं, है ना, कोई भी ऐसा हाई फाई चीज़ नहीं पूछा गया जो तुमने नाम ही ना सुना हो, है ना, सब चीज़ जो तुमने सुना है वही चीज़ मैंने पूछा है, जो कोड भी मैंने तुम्हें भेजा था वो भी एकदम सिंपल ही कोड है, कोई ज़्यादा मुश्किल कोड नहीं है, तो तुम प्रैक्टिस करो। और ये इंटरव्यू तुम्हारा हमने हिंदी में लिया है, लेकिन तुम इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो एक्चुअल इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में होता है, हिंदी में इसलिए लिया ताकि तुम्हारा कम से कम कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाए, ये ना रहे कि हिंदी के कारण, मतलब इंग्लिश के कारण तुम बोल नहीं पाए, तो जिस तरह से तुम बोल रहे हो काफ़ी सही है, मतलब एक्सप्लेन जिस तरह से कर रहे हो, बता रहे हो, वो सही है। शुरुआत में जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, मम्मी पापा के बारे में और घर वालों के बारे में सब कुछ नहीं बताने की ज़रूरत है, तुम्हें बस ये बताना है कि तुमने पढ़ाई कब कंप्लीट की, तुम्हारा ग्रेजुएशन कब हुआ या किस फील्ड में हुआ है, कॉलेज का नाम भी चाहो तो बता सकते हो, नहीं तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर कोई बढ़िया कॉलेज है तो बता दो, कोई बढ़िया कॉलेज नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं बताने, बस बता दो कि तुम्हारा इस साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और तुम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो इतने दिन से, अभी तक तुमने HTML CSS JavaScript सीखा है, बस इतना ही, हॉबीज़ हॉबीज़ कोई ज़रूरत नहीं बताने की, मतलब पता नहीं तुमने बताया कि नहीं, याद नहीं है, तो हॉबीज़ तो तुमने नहीं बताया था वैसे, लेकिन बताया हाँ और मतलब स्ट्रेंथ हाँ स्ट्रेंथ तुमने बताया था वही, तो मतलब वो सब भी जरूरी जरूरी नहीं, मेनली कोडिंग के बारे में ही तुम बताओ, जो भी बताओ कि तुम्हारा ग्रेजुएशन अभी हुआ है, मतलब इस साल में कंप्लीट हो गया और इतने साल से तुम ये प्रैक्टिस कर रहे हो, तुमने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और सब चीज़ बताने के बजाय तुम बताओ कि तुमने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए, तुमने प्रोजेक्ट बनाए ही नहीं है ना, तो नहीं बनाया प्रोजेक्ट सर। बनाओ और उसके बारे में बात करो, ठीक है, ठीक मतलब ये प्रोजेक्ट बनाए और बस, मतलब ये इंटरव्यू को शॉर्ट रखो और अपने बारे में ही रखो, और अपने बारे में भी ऐसा रखो कि जो उस जॉब से रिलेवेंट हो, उस जॉब के लायक चीज़ हो, जैसे तुम्हें हॉकी खेलना पसंद है तो इसका जॉब से लेना कोई कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तुम्हें पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है तो उसमें उसका कोई उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो बाकी तुम्हारा मतलब जो जो भी तुम्हें आता था वो तुम काफ़ी अच्छे से बोल पा रहे थे, ये अच्छी बात है तुम्हारी, और कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएं, मतलब प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये इंटरव्यू जैसे अभी ये चौथा या पांचवा इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ, अभी तक अपलोड नहीं किया है, इंटरव्यू अपलोड करूँगा एक एक करके, तो तुम और भी लोगों के इंटरव्यूज़ देखना, तो मतलब सब लोग के इंटरव्यूज़ ज़्यादातर ऐसे ही जा रहे हैं, एक दो बच्चों का अच्छा गया है, बाकी ऐसे ही हैं और सब अटकते हैं, ठीक है, ये पहला तुम्हारा पहला इंटरव्यू था या पहला ये पहला इंटरव्यू, पहले के हिसाब से तुम्हारा अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और बस यही है, और तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो कुछ पूछ सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, क्वेश्चन ये सर कि मैं अगर जैसे आप 2 महीने में प्रिपरेशन करके 2 महीने के बाद मेरा इंटरव्यू लेंगे सर। हाँ अगर तुम्हें लगता है कि 2 महीने बाद तुमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो मुझे मतलब मैसेज कर देना या कहीं से भी रीच मैं आउट तब तक करके, सर रिएक्ट भी कंप्लीट कर लूंगा सर। नहीं जावास्क्रिप्ट ही करो, जावास्क्रिप्ट का ही लेंगे, रिएक्ट मत भागो, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अभी तुम्हें स्ट्रांग करने में उस लेवल का तुम्हें 2 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, उसको जावास्क्रिप्ट को एकदम मजबूत करो पहले, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू निकाल लो, जब जावास्क्रिप्ट का तुम्हें जब लगेगा कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट आ गई है, वहीं तक मतलब डॉम तक ही, डॉम तक, इवेंट्स तक, उसके आगे
अगर तुम्हें मौका मिले, जैसे 2 महीने का टाइम है, तो उसमें और भी क्लासेस भी पढ़ सकते हो, जो एडवांस चीज़ें वो भी वो पढ़ 2 महीने सकते में तो सर आपका जो 60 घंटे का है ना, वो मैं पूरा मैंने टारगेट के हिसाब से बनाया है कि जिसमें से मैं 10 घंटे का डोम है आपका, पूरा 10 घंटे का डोम, तो 10 घंटे का डोम मेरा कंप्लीट हो चुका है लगभग लगभग, जिसमें सर मैंने 8 टूडो ऐप बनाई थी और एक दो प्रोजेक्ट में और बनाऊंगा जो आपने ये बनाए हैं प्रोजेक्ट रिएक्ट में, ये जावा स्क्रिप्ट में, उन्हीं की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करूंगा, तो थोड़ा मेरे लॉजिक बिल्डिंग वहाँ से हो जाएगी। हाँ, प्रोजेक्ट्स पे खूब सारा ध्यान देना, ठीक है। और अभी तुम 2 महीने तक या 1.5 महीने तक, तुम्हें जब तक लगे कि तुम्हें पूरा जावास्क्रिप्ट आ गया है सब कुछ, अब तुम बढ़िया से इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है तब तुम एक बार फिर से मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, ठीक है और तुम्हारा एक बार फिर से इंटरव्यू ले लेंगे, तब फिर से तुम्हें एहसास होगा कि अभी फिर नहीं आता, ठीक है। लेकिन इससे तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। जैसे अभी तुमने कहा कि तुम 3 नंबर दोगे अपने आप को, तो हो सकता है उस टाइम पे 7 7 नंबर दे दो, 6 नंबर दे दो खुद से, ठीक है। हो सकता है पास भी हो जाओ इंटरव्यू में, है ना। लेकिन फिर भी कई सारी चीज़ें बाकी रहेंगी, तब भी ऐसा नहीं है कि यस सर 2 महीने में हर एक चीज़ आ जाएगी। तो अगर नहीं बता पाओगे तब भी, तो बाकी जो अभी क्वेश्चंस पूछे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस तो तुम्हें बताना ही है, ठीक है। यस कुछ सर नए क्वेश्चंस रहेंगे, उसको नहीं बता पाओगे तो कोई बात नहीं। तो यस सर जैसे इस लेवल का इंटरव्यू है, इसको तुम्हें इसमें तुम्हें 80% 90% क्वेश्चंस का आंसर करना, ठीक है। तो यस सर प्रिपेयर करो अच्छे से, ठीक है, फिर से लेंगे तुम्हारा इंटरव्यू, और ठीक है, चलो, यस सर ठीक है, बाय। सर कभी नैनीताल आना होगा तो ठीक है, आएंगे तो बताएंगे। तुम नैनीताल में रहते हो क्या? यस सर ठीक है, चलो आएंगे, ठीक है, गुड नाइट सर बाय। गुड नाइट।